कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रतापगढ़ लोकसभा की सीट पर अपनी चुनावी जनसभा में खासकर फूट डालो व राज करो की नीति के तहत ही जहां हमारे सपा व बसपा गठबंधन के लोगों में जो भ्रम पैदा करने की कल इन्होंने घिनौनी हरकत की है, तो इस संबंध में इनको हमारा यही कहना है कि जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीएसपी सपा व आरएलडी का गठबंधन बना है, तो तब से यहां बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभूतपूर्व संकट में हैं, काफ़ी ज़्यादा संकट में हैं। उन्हें इस गठबंधन से पेट में जो दर्द हो रहा है, तो उसका कोई इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा है और ना ही आगे कोई इसका समाधान उन्हें मिलने वाला है। जबकि हमारा बना ये गठबंधन वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी गठबंधन है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश से भी यहाँ बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी सांप्रदायिक व अहंकारी सरकार को जरूर उखाड़ फेंकेगा। हालांकि लोगों को ये भी मालूम है कि श्री मोदी व इनकी सरकार ने हमारे इस बने गठबंधन को तोड़ने वैसे नुकसान पहुंचाने का भी हर वह जतन किया है, प्रयास किया है कि उनके बस में जो उनके बस में था, और इस क्रम में इन्होंने अपनी सरकारी मशीनरी का भी अभी तक खूब जमकर दुरुपयोग किया है। लेकिन इनके इन सब हथकंडों के बावजूद भी जब हमारा ये गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ डटा रहा है, तो अब तक के चार चरणों में बीजेपी को काफ़ी पछाड़ता हुआ लगता है, हमें जो है बीजेपी को काफ़ी पछाड़ता हुआ लगता है, पीछे जाता हुआ लगता है। और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र के तहत हमारी दोनों पार्टियों में अर्थात बसपा व सपा में फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी शुरू की है, ताकि बाकी के बचे तीन चरणों के चुनाव में बीजेपी अपनी कुछ इज्जत बचा सके। और इसी फूट डालो राज करो की हताश नीति के तहत ही कल प्रतापगढ़ में इन्होंने बसपा व सपा के बारे में वह सब बातें कही जो पूरे तौर से निराधार व तथ्यहीन थी, तथा उनका खास मकसद केवल यहाँ हमारी दोनों पार्टियों को आपस में लड़ाना व उनके समर्थकों को भ्रमित करने का ही प्रयास करना था। लेकिन श्री मोदी ये भूल गए हैं कि हमारा ये गठबंधन व्यापक जनहित व देश हित के लिए बीजेपी की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही बना है, और इसके लिए गठबंधन की हमारी तीनों पार्टियां ही यहाँ हर प्रकार की अपनी कुर्बानी देती रही हैं और आगे भी देती रहेंगी, जिसकी खास वजह से ही हमारे इस गठबंधन को भारी जन विश्वास व समर्थन प्राप्त है, जो बीजेपी के सर्वोच्च नेतृत्व के पेट में दर्द होने का असली कारण यही है, जनता भी इसे खूब समझती है। और यही कारण है कि प्रदेश की सब समाज की दुखी जनता पूरी तरह से इस गठबंधन पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं और इस संकल्प के साथ काम कर रही है कि इस महीने 23 मई को बीजेपी गई और देश को एक निरंकुश व अहंकारी सरकार से मुक्ति मिली। इसके अलावा केंद्र में अगली सरकार व अगले पीएम की परवाह श्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लोग ना करें तो ये ज़्यादा ही इनके लिए बेहतर होगा, और अब अगली सरकार जरूर बनेगी और साथ ही जनहित व देश हित को मजबूत बनाने वाली यहाँ सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की ही सरकार बनेगी। और फिर देश में यहाँ हर तरफ फैला खासकर भय घृणा संकीर्णता का बादल अब जरूर छटेगा, तथा अब तक घुट घुट कर जीने वाली देश की लगभग
130 करोड़ जनता फिर यहाँ खुली हवा में ही सांस लेगी, जिसकी हमें ये पूरी पूरी उम्मीद भी है। इसके साथ ही पूरा देश ये जानता है कि इस चुनाव में हमारे गठबंधन ने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया है, और ख़ासकर हमारी पार्टी आज भी अपनी पार्टी की सोच व मूवमेंट के मामले में विशेषकर कांग्रेस व बीजेपी को, अर्थात इन दोनों पार्टियों को ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही मानकर चलती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देश में आम जनहित में खासकर बीजेपी व आरएसएसवादी ताकतों को कमजोर करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश की अमेठी व रायबरेली लोकसभा की सीट को कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए छोड़ दिया था ताकि इस पार्टी के दोनों सर्वोच्च नेता, जो इन दोनों सीटों से ही फिर से यहाँ लोकसभा का आम चुनाव लड़ेंगे और अब वे यहाँ से लड़ भी रहे हैं, तो वे कहीं इन दिन तो वे कहीं इन दोनों सीटों में ही उलझ कर ना रह जाए यदि ये अकेले ही ये चुनाव लड़ते हैं, और फिर कहीं इसका फायदा बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाहर ज़्यादा ना उठा ले। इसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारे बने इस गठबंधन ने ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए ही छोड़ दी थी। और वैसे मुझे ये पूरी पूरी उम्मीद है कि हमारे गठबंधन का एक एक वोट और खासकर बीएसपी का अपना एक एक बीएसपी का अपना एक एक बेस वोट, जिनकी संख्या अकेले यहाँ लगभग 22 व 23% है इन दोनों सीटों पर अमेठी और रायबरेली में, तो ये सभी वोट तो हर हालत में यहाँ इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के ही दोनों सर्वोच्च नेताओं को ही मिलने वाला है, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमारा वोट ज़्यादातर साइलेंट ही रहता है, अर्थात अपने ज़्यादा दिखावे आदि के चक्कर में नहीं पड़ता है, और वह अपनी नेता का इशारा समझकर फिर अपना एक एक वोट उसी ही पार्टी के उम्मीदवार को दे देता है जिसको उनकी नेता दिलवाना चाहती है। ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी का खासकर बेस वोट अमेठी व रायबरेली लोकसभा की सीट पर केवल यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही दोनों उम्मीदवारों को ही जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि यहाँ अन्य समाज के जो भी लोग बीएसपी से जुड़े हैं वे भी इन दोनों ही सीटों पर जाने वाले हैं, उनका भी वोट इन दोनों सीटों पर ही मिलने वाला है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो आपने सुना, गठबंधन जीत रहा है, जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी की हार निश्चित है, 23 मई को बीजेपी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन सक्षम है। मायावती का ये जवाब है, पलटवार है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतापगढ़ की रैली में क्या कहा था वो जरा आप सुनिए, उसी का जवाब मायावती ने आज दिया है। पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया, लेकिन पीछे से अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। कांग्रेस तो उसके नेता खुशी खुशी समाजवादी पार्टी की रैलियों में मंच साझा कर रहे हैं, बहन जी को ऐसा धोखा इन लोगों ने दिया है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए